हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार बस मुझे ये बता दीजिए, क्या मैं ऑडिबल हूँ आपके लिए? हाँ जी, एक बार प्लीज़ ये कंफर्म कर दीजिए इफ़ आई एम ऑडिबल। हाँ जी, चलिए, आई थिंक कि मैं ऑडिबल हूँ। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर द सेकेंड पेपर ऑफ योर एग्जामिनेशन, विच इज़ सो कॉल्ड इंग्लिश पेपर, बट दैट इज़ नॉट सो। देखिए, वो इंग्लिश का पेपर नहीं है। वहाँ पर जो टाइटल ही लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है? एसे, जनरल स्टडीज़ एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो बेसिकली अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो आपका सेकंड पेपर बनता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और CAPF सेकंड जो पेपर है, वही आपका गेम चेंजिंग रोल है सिलेक्शन के लिए। इम्पॉर्टेंट पेपर वही है, उसको पार करना सभी के लिए ज़रूरी है। तो सेकंड पेपर में ऐसा क्या है कि आप उससे डरते हैं, या स्टूडेंट्स उससे डरते हैं, या प्रिपरेशन में गड़बड़ होती है? ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। क्या आता है पेपर का कंटेंट, ठीक है, और कैसे उसे प्रिपेयर किया जा सकता है, एंड व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द एसेज, ठीक है, दे विल बी अराउंड 6 ऑप्शंस प्रोवाइडेड टू यू, और उसमें से आपको 4 एसेज लिखने होते हैं इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच, ठीक है। और जो मैक्सिमम पोर्शन है 80 मार्क्स, वो एसेज ही आपका ऑक्यूपाई करते हैं। तो अब जब एसेज इतने नंबर के आ रहे हैं, तो वाई डोंट वी ट्राई एंड वाई डोंट वी राइट सम गुड एसेज, है ना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है CAPF के बच्चों के सामने, वो पूछते हैं दैट GS पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पहले पेपर के लिए, ठीक है, GS सब्जेक्ट्स उसी के लिए पढ़ने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी जनरल स्टडीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एसेज में जनरल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, तो उन पर आपको एसेज लिखने हैं। हाँ जी, माइक का कोई इशू आ रहा है? हाँ जी, कोई इशू आ रहा है भाई माइक का, एक बार बता दें। आई डोंट थिंक सो कि माइक का कोई इशू है। हाँ जी, कोई इशू आ रहा है तो बता दीजिए। एम आई ऑडिबल? सभी को ऑडिबल हूँ ना? चलिए, आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 एसेज हैं, अगर आप देखें तो पहला पोर्शन क्या है, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। तो बॉर्डर इशू से रिलेटेड जो करंट में रहा होगा, 2021 का पेपर ये है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, अब सेकंड है वर्क फ्रॉम होम, अ बून और अ बेन, ठीक है। अब इस पर आ गया, अब ऑब्वियसली कोविड की वजह से ये इशू चल रहा था। नेक्स्ट है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, ये भी एक जनरल स्टडीज का ही टॉपिक है, सोशल इशू है, ठीक है, और पॉलिटिकल इसको दे दिया। अब यहां पर दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, इनफिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 टॉपिक्स आपके पास, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी या फिर बॉर्डर रिलेटेड इशू। तो आप क्यों ना ऐसे टॉपिक प्रिपेयर करें जो आपकी सर्विस में भी आपको काम आएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, बॉर्डर इशूज हैं, तो आपको ऐसे कुछ टॉपिक ध्यान देते रहना चाहिए। प्लस 2 टॉपिक दिए गए हैं एसए के लिए, जो कि डायरेक्टली कहां से लिए गए थे, करंट अफेयर्स, वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक था, ठीक है। और जो अगर आप कहें, ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ये भी आपके लिए क्या था, डायरेक्टली करंट अफेयर्स से या करंट इश्यूज से रिलेटेड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। अब 40 नंबर के आपके पास ये भी होते हैं, और इनको कोई चॉइस नहीं दी जाती है। तो आर्गुमेंट राइटिंग पर फोकस किया जाता है। अगर आप आर्गुमेंट राइटिंग मतलब फॉर और अगेंस्ट पॉइंट ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट कंसाइजली टू द पॉइंट लिखने हैं। एज सच ऐसा नहीं लिखना है कि आप जो पूरा एसे लिख रहे हैं वहां पर, देखो यहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं लिखी जाती है, आपको फोकस किस पे करना होता है, वर्ड लिमिट पे। अगर वर्ड लिमिट पे फोकस कर लिया, देन आपको पता होगा कि आपकी लिमिट कहां तक है, ठीक है। तो जब आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग करते हैं, तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रख करके और उसे
टू द पॉइंट रखने की कोशिश करें, कंसाइज रखने की कोशिश करें, क्लियर। चलिए अब देखो यहां पर भी फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ठीक है, इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, तो करंट से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग आता है, बेसिकली क्या होता है दैट यू आर रनिंग अ प्लाटून और अ कंपनी और वहां से आपको किसी इशू से रिलेटेड कोई ना कोई रिपोर्ट भेजनी होती है। अब उस रिपोर्ट को आप भेज सकते हैं, बना सकते हैं, वो कैपेबिलिटी चेक करने के लिए वो यहाँ पर एक रिपोर्ट राइटिंग का भी सेक्शन आपको दे देते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट राइटिंग जो है दोनों पर लिखनी होती है, ऑप्शन कुछ नहीं होता, एंड अगेन दिस कंसिस्ट 10 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स। तो आपका पेपर जो है, भाई वॉइस में क्या इशू आ रहा है, कोई इशू आ रहा है वॉइस में? अब ठीक है, एक बार बताएं, अब ठीक आ रहा है भाई साउंड? देखिए बार बार मैं देख तो चुका हूँ बट मेरी साइड से वॉइस की कोई इशू नहीं आ रहा, मैंने सबसे पूछा भी था एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन सेड ठीक है, उसके बाद कोई इशू बता रहे हैं। अभी ठीक आ रहा है, एक बार बता दीजिए। हाँ जी, कैन यू प्लीज से कि अब ठीक आ रहा है? इको आ रही है, I don't understand कि ईको क्यों आ रही है, ज्यादा ईको आ रही है भाई। हेलो हेलो, हाँ जी अब ठीक आ रही है वॉइस, एक बार बताएंगे प्लीज। हाँ जी एक बार बता दीजिए क्या अब ठीक आ रही है वॉइस? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दैट वॉइस इज गुड और नॉट। नहीं हुई होगी बट मैं वही पूछ रहा हूं कि अब ठीक आ रही है भाई, बोल ही रहा हूं कि आ रही है साउंड? हाँ जी एक बार बता दो साउंड आ रही है, नहीं आ रही है तो वो भी बता दो। चलिए अब कह रहे हैं संगीता जी कि अब ओके है, ठीक है बिल्कुल, चलिए मैं उसी पर बिलीव करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पर है ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्राइसिस इन इंडिया, तो कोविड से रिलेटेड बहुत टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए गए थे और उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ रिपोर्ट मांगी गई थी। आफ्टर दैट यू गेट अ प्रेसे राइटिंग, ठीक है, आफ्टर दैट यू गेट अ प्रेसे राइटिंग पैसेज। प्रेसे दिया होता है, आपको उसे कंसाइज करना है, जितना अच्छे तरीके से आप कंसाइज कर सकते हैं वो बेटर है, ठीक है, वो क्या है, बेटर है। अब देखो इसकी बेसिक लिमिट क्या होती है कि आपको 1/3 में लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा होता है तो प्रैक्टिस जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है पैसेज, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कॉम्प्रीहेंशन खूब ईजिली अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक कैच, जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हैं ना तो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डायरेक्टली आपको पैसेजेस में अवेलेबल होता है, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फ्रेम योर आंसर्स योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, आपको खुद ही आंसर्स अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं। अगर आप वहां पर सीधा सीधा एक्चुअल आंसर्स जो पैसेजेस में दिए गए वही सेम लैंग्वेज में उठा करके वहां कॉपी पेस्ट कर देते हैं, देन यू वॉन्ट बी गेटिंग सो मच और सो मेनी मार्क्स that you are expecting. तो normal ये issue हमारे पास आता ही आता है।
ठीक है, जब हम कॉम्प्रिहेंशन में ना क्वेश्चंस करते हैं तो हम सब सोचते हैं कि यहाँ पर ये जो है पैसेज में सीधा सीधा आंसर ए लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, जो ज़्यादा टाइम होता है वो ऐसे में चला जाता है ऑब्वियसली, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, आपको क्या करना है अपनी लैंग्वेज फ्रेम करनी है। ठीक है भाई, अब ये देखो 5 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पोर्शन जो शुरू होता है दैट इज वे बियॉन्ड गुड, कि आप उसे अटेम्प्ट करें तो 100% मार्क्स आएंगे, कोई मार्क कटेगा नहीं आपका। ठीक है, कोई भी मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये। अब वो क्या है देखो समझो, यहां पर है री राइट द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, 10 सेंटेंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हर साल पेपर में ये 10 के 10 सेंटेंस आपके पास आएंगे। ठीक है, और इनमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, कुछ नीदर नॉर से सेंटेंस बना दिया। ठीक है, कुछ कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, अफर्मेटिव से जो है ट्रांसफॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, कई बार क्या करेगा पॉजिटिव दे देगा, बिना मीनिंग बदले नेगेटिव बना दो, इंटरोगेटिव बना दो, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। मीन्स देयर आर डायरेक्शंस and you have to change or you have to make changes in the sentences according to these directions, that's why they are called do as directed. ठीक है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, do as directed sentence. तो अब ये 10 आते हैं और 100% मेरी गारंटी है कि अगर आप पढ़ते हैं तो 10 के 10 questions आप करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि हर साल सेम रिपीटेशन है, हर साल सेम रिपीटेशन है। हम कहते हैं ये होगा नहीं, हम कैसे प्रिपरेशन करें, अरे भाई 50 नंबर का पोर्शन तो सिमिलर ही पूछा जा रहा है। ठीक है, हर बार पेपर में 50 नंबर ले आओ बहुत है। ठीक है, उसके बाद आगे वाले पे पोर्शन पे फोकस करो ना, पहले 50 कंप्लीट कर लो अपने, 100% श्योर कर लो। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, देखो ये आ गया फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन पूछ रहा है बताओ भाई। ठीक है, प्रोनाउन नहीं पढ़ा है क्या, प्रोनाउन पढ़ के आराम से क्वेश्चन हो सकता है। बिकॉज और वाइल कंजंक्शन आ गया फिर से। ठीक है, प्रपोजिशन पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म, टेंसेस से क्वेश्चन है, वर्ब से क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है जी, इनडायरेक्ट स्पीच आ गया आपके पास, तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। अब इसके बाद इससे सिंपल तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपके पास आया होगा कि ये जो फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज है ना, इनका मीनिंग आपने क्लियरली बताना बाय यूजिंग देम इन सेंटेंसेस, बाय यूजिंग देम इनटू सेंटेंसेस, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एक एक सेंटेंस इनसे बताना, बैक ऑफ पीछे हटना, कैरी अवे भावनाओं में बह जाना। ठीक है, लॉग आउट किसी जगह से, लॉग इन लॉग आउट। ठीक है, ड्रॉप इन मतलब कहीं जा रहे थे और आई ड्रॉप्ड इन, होल्ड ऑन कोई चीज रोके रखना, तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और 10 नंबर पक्के सेंटेंस में यूज करके उनका मीनिंग जो है क्लैरिफाई कर दो, दैट्स ऑल। हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया, साथ साथ बताते भी रहो, साथ साथ बताते भी रहो। हाँ जी, साथ साथ बताते रहो कि भाई समझ में आ रहा है, कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, ऐसे जैसा नहीं होना चाहिए कि डाउट आ रहा है पूछ नहीं रहे हो। हाँ जी, अब उसके बाद क्या आ गया, करेक्ट सेंटेंसेज आ गए भाई, करेक्ट कर दो, ये इनमें कुछ दिक्कत है सेंटेंसेज में, आप क्या कर दो, करेक्ट कर दो। अगर सेम सेंटेंस देखोगे ना, सेम सेंटेंस 2018 या फिर 19 के पेपर में पूछा गया, सेम सेंटेंस हेल्प वाला था, और ठीक है हेल्प मी ओपन द बोटल होगा, हेल्प मी टू ओपन द बोटल ये नहीं होता, सिंपल है, रूल वही है। The kilometers are a long distance. 10 kilometers are a long distance. R नहीं आएगा, simple is आएगा। ठीक, I, you and my brother will go to the movie tomorrow. जब हम इस type का sentence लिखते हैं तो I, you and my brother नहीं लिखते, you, I and my brother. ठीक है, इस तरीके से पूरा sentence जो है वो चलेगा। तो simple मैंने आपको बता दिया question किस तरीके से, hardly did he open the door when the lights went off. Hardly did he open the door. Simple है, hardly और when वाला रूल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो hardly के बाद कई बार वो सेंटेंस में then दे देता है, कई बार वो कुछ और दे देता है, रूल सिंपल, hardly और scarcely वाला रूल आपको पता होना चाहिए। या इसके साथ K
कैसे हम यहाँ पर इन्वर्जन यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो करेक्ट आंसर ढूंढ पाओगे। अब पढ़ा है नहीं और बोल रहे हो कि टफ आ गया पेपर, तो गड़बड़ है, ठीक है, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। ये था आपके पास पूरा पेपर भाई, ठीक है। इस तरीके से आप जो हैं अपने पेपर CAPF AC के पेपर में क्वेश्चंस देखते हैं कि ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ व्हाट डे व्हाट यू हैव टू फॉर्म और व्हाट यू हैव टू डू टू गेट गुड मार्क्स इन योर सेकंड पेपर। देखो सबसे पहली चीज, डोंट मिस आउट कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना उसको मिस मत करिए। ये देखने को मिलता है कि डिस्क्रिप्टिव से लोग डरते हैं। देखिए वो आपकी सारी एबिलिटीज चेक करेंगे। लेट सपोज यू आर ऑन ऑलरेडी और ओनली फोकसिंग ऑन द ग्रामर पोर्शन, तो गड़बड़ होगी ही होगी, है ना, तो गड़बड़ होगी ही होगी। तो आप क्या करें कि बेसिकली डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहें और उसके साथ ग्रामर भी प्रिपेयर करते हैं। ग्रामर में 100% मार्क्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेट से कि यहाँ पर आपको 50 नंबर चाहिए और 50 नंबर आपको मिल जाएंगे, फिर भी आपको लगभग 50 नंबर की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, ठीक है। वो 50 कहाँ से मिलेंगे, वो तो डिस्क्रिप्टिव से ही मिलेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं बिकॉज यू आर नॉट दैट परफेक्ट और योर एसे इज नॉट दैट आइडियल। आपका एसे जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, सारे एग्जाम्पल्स आपने नहीं दे दिए, कंक्लूजन आपने इतने अच्छे से नहीं दिया, तो बहुत सारी दिक्कतें आपके एसे में भी आएंगी, ठीक है। तो करना क्या है फिर, डिस्क्रिप्टिव को भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहना है और ग्रामर को भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है। जब आप ग्रामर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग 100% मार्क्स 50, तब जाकर के कहीं आपके 45 प्लस आ पाएंगे, क्लियर। इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं टाइम भी बता देता हूँ, लगभग आपको 3 महीने चाहिए पूरे डिस्क्रिप्टिव पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। अब डिस्क्रिप्टिव आ गया, ठीक है, उसमें एसे आ गया, आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, और प्रेस से राइटिंग है, प्लस कॉम्प्रिहेंशन है, ये 5 चीज़ें। अब अगर हम देखें तो 80 मार्क्स का आपके एसेज, ठीक है, 40 नंबर की आपकी आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स की, ठीक है, लगभग लगभग अगर देखें तो 140 नंबर का तो यही आपके पास पोर्शन है ना, यही पोर्शन 140 नंबर के आसपास आपका बन जाता है, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस प्लस ग्रामर को 100% फोकस के साथ प्रिपेयर करके चले। उन चीजों में ही आपको जनरल स्टडीज की जरूरत पड़ती है एंड वी ओनली थिंक कि भाई ये तो इंग्लिश का पेपर है, नो दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको यहाँ पर जनरल स्टडीज पर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। एंड व्हाट आर द सोर्सेस, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो उस पर सक्सेस ट्री आपको हमेशा हेल्प करता ही रहेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दैट यू कैन ज्वाइन, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आगे हम पूरे पेपर का डिस्कशन भी आपके लिए साथ लेकर के आएंगे कि CAPF के पूरे पेपर को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी और क्या इन क्वेश्चंस के आंसर बन सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।